डियर स्टूडेंट्स, टेक मैथ्स एसबी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। अगले वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 2.1 और आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट यानी कहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, सेकेंड x इज इक्वल टू माइनस 1 और थर्ड x इज इक्वल टू 2। इस तीनों को हमें पॉलीनोमियल में वैल्यू पुट करनी है x की जगह पे। तो ये पॉलीनोमियल है, उसको मैं पहले p ऑफ q का p फॉर पॉलीनोमियल और वेरिएबल है x, इसको ऑलवेज ऐसे लिखते हैं पी ऑफ एक्स के फॉर्म में। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं लिखूंगा जो हमें दिया है क्वेश्चन में, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब क्या करूंगा, मुझे x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, जहां पे भी x दिखेगा वहां पे क्या पुट कर दूंगा मैं, 0। तो पी ऑफ 0 5 x की जगह पे 0 यानी उसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, माइनस 4 एक्स की जगह पे 0 ऊपर स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, चलो बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 5 0 जा 0 माइनस 4 का 4 पहले स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करूंगा मैं, 0 का स्क्वायर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा प्लस 3। चलो 0 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 0 जा 0 प्लस 3, तो हमें 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आएगा हमारा 3। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, समझ में आया। इस तरह से दूसरा सम करेंगे, कैसे करते हैं, पहले क्या लिखेंगे, p ऑफ x जो हमारा पॉलीनोमियल था वही क्वेश्चन में है ही, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। उसके बाद क्या करेंगे हम, पी ऑफ जहाँ पे x है उसकी प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, माइनस 1। तो 5 जहाँ पे x दिखता है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस 1। माइनस 4 जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको कुछ नहीं करना है वो हमें फाइंड करना है। चलो 5 वन जा 5 और माइनस ए माइनस 4 इज इट इज सेम, यहाँ पे 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक चीज सीखनी है कि कोई भी नंबर हो माइनस या प्लस उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर या तो 4 पावर होगा यानी कि इवन पावर होगा तो माइनस निकल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा लेकिन प्लस 1 हो जाएगा 3। चलो ब्रैकेट रिमूव करते हैं, माइनस 5 4 वन जा 4 पर आगे माइनस की साइन प्लस 3, पहले इन दोनों का करते हैं माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 4 यानी आंसर हो जाएगा हमारा 9, बिग नंबर की साइन, और ये 3 तो एज इट इज था ही। क्या किया मैंने, पहले इन दोनों का फर्स्ट जो दो टर्म है उसका किया माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 4 आंसर आ गया 9, बिग नंबर की साइन यानी माइनस। अब बच्चे बाकी दो टर्म उसको सोल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों का माइनस करेंगे, लिखेंगे नहीं माइंड में ही माइनस कर देंगे, 9 में से 3 निकल जाएगा तो आंसर बचेगा 6 और साइन आएगी बिग नंबर की। तो ये मुझे मिल गया पी ऑफ माइनस 1 जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। अब आता है थर्ड, x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है किस में, तो हमें जो इक्वेशन दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो चलो पी ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे हम, 2, 5 ब्रैकेट में लिखेंगे 2, 4 2 ऊपर पावर 2 प्लस 3। चलो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 5 टू जा 10 माइनस, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 4 टू जा कर देते हैं,
मैंने यहाँ पर भी बताया था डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 को एज इट इज रखना है, पहले इनका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 10, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 जा 16 प्लस 3। चलो पहले इन दोनों टर्म को साथ में करते हैं, ए प्लस होगा ए माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों का माइनस मैं माइंड में ही कर दूंगा, 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा बिग नंबर की साइन, और प्लस में है 3, तो पी ऑफ 2 इसका आंसर मुझे मिलेगा माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 माइनस हो गए तो 3 बचेंगे बिग नंबर की साइन, तो ए मुझे मिल गए तीनों के आंसर। एक्स की जगह पे मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, माइनस 1 पुट करूँगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, और 2 पुट करूँगा तो क्या आंसर मिलता है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 का पूरा सॉल्यूशन निकलता है। ओके, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग। ईच ऑफ फॉलोइंग यानी हमें नीचे टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट है, सेकंड है और आगे भी दूसरे 2 क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, तो जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, तो y की जगह पे पहले 0 पुट करके आंसर फाइंड करना है, y की जगह पे 1 पुट करके फाइंड करना है, y की जगह पे 2 पुट करके आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन है p ऑफ y, इसको क्या रीड करते हैं, p ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y सॉरी माइनस y प्लस 1, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, y की जगह पे पहले 0, तो उसको लिखेंगे हम p ऑफ 0, तो जहाँ पर भी y है वहाँ सभी जगह 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा माइनस 0 प्लस 1, तो p ऑफ 0 का आंसर मुझे मिल गया, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर बन गया हमारा 1। इस तरह से दूसरा क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो चलो इक्वेशन में जहाँ पे y है वहाँ पे 1 का स्क्वायर, y की जगह पे 1 और प्लस 1 तो है ही, ये 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे देखिए 1 में से 1 जाएगा, सबट्रैक हो जाएगा तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी आंसर हमारा 1, यह मुझे मिल गया p ऑफ 1। इस तरह से हम क्या फाइंड करेंगे, p ऑफ 2, तो जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, अब 2 स्क्वायर माइनस 2 और प्लस है 1, तो पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, पहले इन दोनों का सिंप्लीफाई करते हैं, 4 में से 2 सबट्रैक हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, तो ये हमारा हो गया p ऑफ 2, अंडरस्टैंड, तो ये हमारे 3 आंसर हो गए, ये फर्स्ट आंसर था p ऑफ 0 का, दूसरा है p ऑफ 1 का और तीसरा है p ऑफ 2 का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सॉल्व करेंगे, उसमें भी पहले फाइंड करना है हमें p ऑफ 0, तो p ऑफ 0 फाइंड करेंगे, तो पहले लिखेंगे p ऑफ 0, तो जहां पर भी t दिखता है वहां पर मैं क्या पुट करूंगा, 0 t की जगह पे 0, 2 t की जगह पे 0 पावर 2 माइनस 0 रेस टू 3। ओके, अब इसको सॉल्व करता हूँ, 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का क्यूब भी 0, तो चलो 2 प्लस 0 प्लस 2 0 जा 0 हो जाएगा माइनस 0, तो ये सारे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो p ऑफ 0 का आंसर मुझे मिल गया 2। इस तरह से p ऑफ क्या फाइंड करूँगा मैं, 1, ये हो गया p ऑफ 0। चलो 2 प्लस t की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 रेस टू 3, तो 2 प्लस 1 प्लस, चलो यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा तो 1, 1 का क्यूब भी क्या होगा, 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस
1. चलो इसको सॉल्व करके क्या आंसर लिखते हैं, इन तीनों का प्लस उसमें से माइनस 1. अगर ऐसा नहीं करना है तो यहाँ पे कट होता है, एक प्लस 1 और एक माइनस 1, तो कट हो जाएगा. ओके, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 + 2 = 4. इस तरह से लास्ट फाइंड करना है पी ऑफ 2, हमें तीनों वैल्यू फाइंड करनी है. चलो तो यहाँ पे जहाँ टी दिखते हैं वहाँ क्या पुट करेंगे, टी की जगह पे 2 + 2 = 2 - 2 - 3. चलो सॉल्व करते हैं इसको, 2 + 2 यहाँ वापस आया. इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे पहले हम, ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8. चलो अब सॉल्व करते हैं, 2 + 2 + 4 = 8 - 8. चलो यहाँ पे वापस एक प्लस और एक माइनस, +8 और -8, तो क्या हो जाएगा कट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 + 2 = 4. तो ये हमारे तीनों आंसर हो गए, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2. अंडरस्टैंड? चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, उसमें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x^3. हमें कौन कौन से वैल्यू फाइंड करनी है, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2. चलो तो तीनों वैल्यू स्टेप बाय स्टेप हम फाइंड करेंगे. ओके, तो पहले लिखेंगे पी ऑफ 0, यानी जहां पे हमें x दिखता है वहां हम क्या पुट करेंगे, 0, तो 0 का क्यूब यानी आंसर हमारा होगा 0. उसके बाद क्या पुट करना है, 1, तो 1 का क्यूब यानी आंसर हमारा 1. उसके बाद पी ऑफ 2, तो 2 का क्यूब यानी 2 × 2 × 2, तो आंसर हमारा हो जाएगा 8. तो ये हमारा तीनों आंसर फाइंड हो गया. इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 में भी फाइंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, पी ऑफ x इज इक्वल टू x - 1 और x + 1. तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, पहले पी ऑफ 0, तो जहां पर भी हमें x दिखता है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, 0, 0 - 1 = 0 + 1. चलो 0 लिखने की जरूरत नहीं, 0 में से -1 यानी -1 ही आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा +1. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दो ब्रैकेट है उसके बीच में कोई भी साइन ना हो तो उसका मतलब उन दोनों टर्म के बीच में मल्टीप्लाई है. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 × 1 = 1 और एक माइनस और एक प्लस है तो साइन माइनस की, ये हमें मिल गया पी ऑफ 0. इस तरह से हम क्या फाइंड करेंगे, पी ऑफ 1, तो यहाँ पे जहाँ x दिखता है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 - 1 = 1. तो 1 - 1 आंसर हो जाएगा हमारा 0 और 1 + 1 उसका आंसर होगा 2. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मुझे मिलेगा 0 × 2 = 0. अंडरस्टैंड? अब हमारा लास्ट फाइंड करने का है पी ऑफ 2, तो जहाँ पे x है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 2 - 1 = 2 + 1. तो चलो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1. 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3. तो हमारा जो पी ऑफ 2 फाइंड करना था वो हो जाएगा 3 × 1 = 3. तो इस तरह से मेरे तीनों आंसर गेट हो गए, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2. चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3. वेरीफाई whether the following are zeros of polynomial indicate against them. क्या फाइंड करना है, तो हमें वेरीफाई करना है कि जो x की वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल के लिए राइट है या रॉन्ग है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए जो x की वैल्यू दी है वो हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, पी ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 1. जहाँ पे x दिखता है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, -1/3. अगर हमारा आंसर 0 आता है तो ये 0 यानी कि x की वैल्यू राइट है, अगर आंसर 0 नहीं आता है
तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, नो ए जीरोस कैसा है, रॉन्ग है। तो चलो करके देखते हैं, पी ऑफ क्या करना है, जहाँ पे एक्स दिखता है वहाँ पे माइनस वन अपॉन थ्री पुट करना है, हमें क्वेश्चन में दिया ही है। ओके तो क्या आंसर आएगा, थ्री एक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं, माइनस वन अपॉन थ्री प्लस क्या है वन। ओके यहाँ पे बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, थ्री थ्री कट, तो आंसर बचेगा माइनस वन प्लस वन, एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस वन तो ज़ीरो, हमारा आंसर ज़ीरो आता है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री ये जीरोज हमारा कैसा है, राइट। तो आंसर क्या लिखेंगे, यस अंडरस्टैंड, यानी कि हमारा जीरोज राइट है। इस तरह से दूसरा सम करते हैं, उसमें पॉलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस पाई दिया है, और x इज इक्वल टू क्या पुट करना है हमें, फोर अपॉन फाइव, x की जगह क्या पुट करना है, फोर अपॉन फाइव। तो चलो पी ऑफ जहाँ पे x दिखता है वहाँ पे फोर अपॉन फाइव इज इक्वल टू फाइव, यहाँ पे लिखेंगे फोर अपॉन फाइव माइनस पाई। चलो इसको सॉल्व करते हैं, फाइव फाइव क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइव फाइव कट हो गए तो बचा फोर माइनस पाई, मुझे तो आंसर क्या चाहिए, जीरो, ये हमारा जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये जीरोस नहीं है, नो। ओके चलो उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन, उसमें हमें पुट करना है एक्स की जगह पे वन और माइनस वन, और देखना है कि ये जीरोज है कि नहीं है। तो मैंने बताया था कि अगर आंसर हमारा जीरो आता है तो ए वैल्यू राइट है, वरना रॉन्ग है। तो चलो पहले पुट करके एक्स की जगह पे वन, यानी कि पी ऑफ वन, जहाँ पे हम एक्स दिखेगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे, वन, वन का स्क्वायर माइनस वन। चलो इसका आंसर, तो वन का स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस वन, यानी कि आंसर आ गया हमारा जीरो, पी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, यानी ए सॉल्यूशन राइट है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस। चलो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, पी ऑफ क्या पुट करना है हमें, माइनस वन, तो जहां पे हमें एक्स दिखता है वहां हम क्या रखेंगे, माइनस वन पुट करेंगे, स्क्वायर माइनस क्या है वन। चलो कोई किसी का भी स्क्वायर हो, यानी कि पावर टू हो, फोर हो, इवन पावर हो, तो अंदर जो माइनस होगा वो निकल जाएगा, तो वन का स्क्वायर होगा वन, लेकिन माइनस निकल जाएगा तो प्लस वन, तो वन माइनस वन आंसर हो जाएगा जीरो। तो इसमें भी आंसर जीरो आता है, पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें भी लिखेंगे यस जीरोज है, यानी कि जीरोज पॉसिबल है। ओके ये जीरोज जो दी है वो राइट है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, इसमें हमें क्या पुट करना है, एक्स की जगह पे माइनस वन और टू। तो चलो पहले माइनस वन पुट करके देखते हैं, पी ऑफ जहाँ पे एक्स दिखता है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस वन, यानी कि यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पर भी माइनस वन, चलो माइनस वन प्लस वन और माइनस वन माइनस टू। चलो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, माइनस प्लस माइनस, यानी वन में से वन गया तो क्या आंसर हो गया इसका, जीरो। इस ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, यानी इन दोनों का प्लस करेंगे, टू प्लस वन आंसर हो जाएगा हमारा थ्री, और बिग नंबर की साइन यानी माइनस थ्री, और जीरो के साथ उन दोनों का मल्टीप्लाई, जीरो मल्टीप्लाई माइनस थ्री, यानी आंसर हो जाएगा जीरो। तो पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। दूसरा है, पी ऑफ क्या पुट करेंगे, टू, तो चलो यहाँ पे टू पुट करते, यहाँ पर भी टू आएगा, यहाँ पर भी टू आएगा, तो टू प्लस वन और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा टू माइनस टू। तो चलो टू प्लस वन यानी थ्री और टू माइनस टू यानी जीरो, जीरो मल्टीप्लाई थ्री यानी आंसर हो जाएगा हमारा जीरो, यानी कि इसमें भी क्या आंसर आ जाएगा हमारा, यस जो सॉल्यूशन है वो राइट है, अंडरस्टैंड। चलो आगे है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि जहाँ पे एक्स
x है वहां पर हमें क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो चलो यहां पे 0 पुट करके देखते हैं, p ऑफ 0 यानी कि 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 ही आता है, तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू, हमें आंसर मिल गया है 0। तो इसमें क्या लिखेंगे, यस जो है x की वैल्यू दी है वो राइट है। ओके नेक्स्ट सम देखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, lx प्लस m, और x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, माइनस m बाई l। तो जहां पे हमें x दिखता है p ऑफ x में, जहां पे x दिखता है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस m बाई l, और देखते हैं कि सॉल्यूशन राइट आता है या रॉन्ग। चलो p ऑफ जहां पे x है वहां पर क्या पुट करेंगे, माइनस m अपॉन l, यहां पे l है और x की प्लेस पर क्या पुट करेंगे, माइनस m अपॉन l प्लस m। चलो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, l l क्या हो जाएगा, कट, तो बाकी क्या रहा, माइनस m, और प्लस में क्या है m, तो माइनस प्लस माइनस, तो m में से m निकालूंगा तो क्या आंसर हो जाएगा, 0, यानी कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, राइट है, यस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, ये जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें हमें x की प्लेस पर क्या पुट करना है, माइनस 1 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3, ये दोनों वैल्यू स्टेप बाय स्टेप पुट करनी और दोनों में देखना है कि ये जीरो जो है वो राइट है या रॉन्ग है। अगर दोनों पुट करता हूँ और आंसर 0 आ जाता है तो ये हमारा 0 में क्या हम लिखेंगे, यस, और नहीं आता है तो नो। तो चलो पहले पुट करते हैं, माइनस 1 अपॉन 3, तो p ऑफ x की जगह पर क्या पुट करेंगे, माइनस 1 अपॉन रूट 3, चलो 3 इन ब्रैकेट x की जगह पे माइनस 1 अपॉन रूट 3 उसका क्या है स्क्वायर और माइनस 1। ओके उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर को, 3 चलो स्क्वायर है तो इन दोनों को स्क्वायर मिलेगा, 1 को भी और रूट 3 को भी, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और रूट 3 का स्क्वायर यानी रूट निकल जाएगा तो आंसर बचेगा ओनली 3, और माइनस भी निकल जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है माइनस 1। चलो यहाँ बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई यानी ये 3 और ये 3 क्या हो जाएंगे, कट, तो बचेगा 1 माइनस 1 यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0, तो ये सॉल्यूशन राइट है, इसमें क्या लिख देंगे, यस। दूसरा है पी ऑफ क्या पुट करेंगे, 2 अपॉन रूट 3, तो जहां पे x दिखता है वहां पर हम पुट करेंगे 2 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1, तो चलो 3 स्क्वायर है और दोनों को मिलेगा 2 को भी और रूट 3 को भी, तो 2 का स्क्वायर 4, नीचे रूट 3 का स्क्वायर यानी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो खाली 3 बचेगा माइनस 1, 3 3 कट, 4 माइनस 1 यानी आंसर हो जाएगा हमारा 4 में से 1 जाएगा तो 3, मेरा आंसर आना चाहिए 0, यहाँ पे आया 3, तो सॉल्यूशन राइट नहीं है, यानी कि 2 अपॉन रूट 3 है वो हमारे पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है, अंडरस्टैंड। चलो जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें तो p ऑफ क्या पुट करेंगे हम x की प्लेस पर, 1 अपॉन 2, तो 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की प्लेस पर 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो 2 2 क्या हो जाएगा, कट, 1 प्लस 1 बचेगा तो आंसर हो जाएगा 2, मेरा आंसर आना चाहिए 0, यहाँ पे आया 2, तो इसमें भी जो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 है वो हमारे पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है, उसलिए क्या लिखेंगे आंसर में, नो। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोज। अब जीरोज फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना यानी क्या होता है, तो हमें जो वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो ये पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 है, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, x, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें x माइनस 5 तो इसमें भी x की वैल्यू, इसमें भी x की, इसमें भी x की और x की, ऐसे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हम जो p ऑफ x होता है उसके इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, जीरो लेना है हमें, क्या लेना है, 0, तो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 5, तो जो x प्लस 5 है उसको इज इक्वल टू मैं क्या ले लूँगा, 0। अब मुझे क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो जो 5 है वो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 5, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि जीरोज फाइंड हो गया है, अंडरस्टैंड। क्या करना है, सिर्फ
जो पॉलिनोमियल दिया है उसके इज इक्वल टू में हमें जीरो लेना है और x को लीडर बनाकर x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो नेक्स्ट है पी ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस फाइव। तो जो पॉलिनोमियल है हो गया हमारा x माइनस फाइव, तो मैं क्या करूँगा x माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या पुट कर दूंगा जीरो। अब मुझे x को लीडर बनाना है तो माइनस फाइव इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि जीरो प्लस फाइव, तो जीरो प्लस फाइव यानी आंसर मेरा हो जाएगा फाइव। तो ये मेरा क्या मिल गया पॉलिनोमियल का जीरोस। अंडरस्टैंड। थर्ड क्वेश्चन, तो उसमें भी 2x प्लस फाइव इज इक्वल टू मैं क्या पुट कर दूंगा जीरो। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर दो टर्म है तो उसको मुझे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। पहले x वाली टर्म है 2x, वो मैं एज इट इज रखता हूँ, और फाइव जो प्लस में है उसको मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा जीरो माइनस फाइव। तो 2x इज इक्वल टू मुझे आंसर मिलेगा माइनस फाइव, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे तो सिर्फ x फाइंड करना है, सिर्फ x फाइंड करना हो तो ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस फाइव बाय टू, ये मेरा आंसर हो गया x इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन टू। चलो आगे क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस टू। तो जो पॉलिनोमियल है 3x माइनस टू उसके इज इक्वल टू मैं क्या ले लूँगा जीरो। तो चलो पहले 3x एज इट इज लिखता हूँ और ये 2 माइनस में है, इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस 2 यानी सिर्फ 2 हो जाएगा। अब मुझे फाइंड करना है x, तो ये 2 एज इट इज सेम रहेगा, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा तो 3 नीचे आ जाएगा यानी 2 अपॉन 3। तो मेरा x की वैल्यू यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसका जीरोज मुझे मिल गया। फाइव नंबर का है पी ऑफ x इज इक्वल टू 3x, तो मुझे क्या लेना है जो पॉलिनोमियल 3x है इसके इज इक्वल टू क्या ले लूँगा मैं जीरो। अब मुझे तो सिर्फ x फाइंड करना है तो x के साथ ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो जीरो की डिवाइड में कुछ भी हो आंसर सिर्फ जीरो ही बचेगा तो x इज इक्वल टू जीरो हो गया है। उसके बाद सिक्स नंबर का पी ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स, तो चलो हम ए एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे जीरो। मुझे तो x फाइंड करना है तो ए है वो जीरो के डिवाइड में जाएगा, सेम एज इट इज यहाँ पे जीरो के डिवाइड में कुछ भी आता है तो आंसर जीरो ही रहेगा तो x इज इक्वल टू जीरो। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेवन, p ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब इसमें तो c भी है, x भी है, d भी है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल p ऑफ क्या है x, यानी जो x वाला होगा वो हमारा वेरिएबल होगा, और c और d क्या है कॉन्स्टेंट, c इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड c एंड d आर रियल नंबर, यानी कि कोई भी नंबर हो गए। ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट सम है। ओके, तो इसमें चलो क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम जीरो। चलो पहले जो x वाला टर्म है वो एज इट इज रहेगा, उसके साथ प्लस d है तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो माइनस d हो जाएगा। अब मुझे फाइंड करना है x, तो चलो x के साथ c मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो माइनस सी अपॉन डी। तो मेरा जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, उसका जीरोज फाइंड कर दिया है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 भी फिनिश होती है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और एक्सरसाइज 2.3 के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, और उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उस पर जाके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।